चलो एटलीस्ट इस सीजन में मनारा की वेलविशर बनके पूजा भट्ट आई और पूजा भट्ट ने अच्छी बातें ही बोली। पूजा भट्ट से तो मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, हालांकि नाराज़गी ऐसी नहीं है कि वो मेरे घर पे नहीं आई, मैंने उनको इनविटेशन दिया था या उन्होंने मुझे कोई धोखा दे दिया। नहीं भाई, बिग बॉस ओटीटी में ये भी एक कंटेस्टेंट थी, पर ये ऑपोजिट थी जिन लोगों को मैं पसंद करती थी, यानी कि अभिषेक मल्हान, मनीषा और एलविश। हालांकि मनीषा को काफ़ी ज़्यादा पूजा भट्ट ने टारगेट किया, बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया, और बहुत ही इन्होंने भी अपने तरीके से गेम खेली जो कि मुझे पसंद नहीं आया। बट अब मनारा चोपड़ा बहुत अच्छा कर रही है, मुझे मनारा चोपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता है। तो मनारा चोपड़ा जो है उसके लिए पूजा भट्ट आने वाली है, ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो पूजा भट्ट ने जैसे आया कि मैंने तुम्हारे लिए क्राउन फिक्स किया है, और तो और जिस तरीके से तुम टॉर्चर टास्क में एक चैम्पियन की तरह लड़ी हो ना, वो एक चैम्पियनशिप दिखाई दी है, और तो और जितनी तुम स्ट्रांग मानती हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम स्ट्रांग हो। तो मनारा भी बहुत हम्बल तरीके से रिस्पेक्ट जो है करती है। मनारा ने मे बी शायद सोचा भी नहीं होगा कि मनारा को गाइड करने के लिए एक सेलिब्रिटी पूजा भट्ट आएगी। पूजा भट्ट भाई एक बड़ा ब्रांड है, पूजा भट्ट बहुत बड़ा नाम है। तो पूजा भट्ट बिग बॉस ओटीटी में भी रह के गई, पूजा भट्ट ने भी बहुत सारा कंटेंट दिया, इनकी भी क्या पर्सनालिटी है, ये भी एक मतलब कि बिग बॉस की ही पर्सनालिटी है मानी गई है, और एक्चुअली में इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें की है। पर यहाँ पर आके जितना सा छोटा सा प्रोमो जो दिखाई दिया है उसमें तो मैं बोलूंगी कि यार बहुत अच्छा किया है पूजा भट्ट ने। मनारा को ऐसी गाइडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब मीटअप से पहले ना गाइज, मनारा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी उस वक्त, लाइव फिट चल रहा था, मैंने इसके ऊपर बताया भी था, अभी मुझे याद आया तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जब ये सब शूट होने वाला था उससे पहले जो है मनारा बैठी थी। अभी आप लोगों ने मनारा को एपिसोड में भी देखा कि वाहेगुरु वो बोल रही है कि पता नहीं मैं बाहर कैसी दिख रही हूँ, कि पता नहीं मैंने इन दोनों के बीच में मैं गई हूँ, वो बहुत ज़्यादा डर गई है। तो मनारा ने यही चीज़ जो है इसे शूटिंग से पहले, पूजा भट्ट के आने से पहले ये भी बात बोली थी कि बाबा जी प्लीज़ सब चीज़ें संभाल लेना, आप सब चीज़ें संभाल लेना। तो वो इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अब यही चीजें हैं जो कि पूजा भट्ट क्लियर करेगी। हालांकि पूजा भट्ट तरीके से क्लियर करे भाई बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर क्लियर करेंगी नहीं तो भी मनारा को बाहर आके तो पता चल जाएगा कि उसने कोई भी गलती नहीं की है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।